191, find the equation of line which makes intercept -3 on the x-axis and y-axis. चलिए अब इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन. सिंपल मेन आपको भी ये पहचानना है ना, पांच फॉर्म में से कैसे जानेंगे कि इस फॉर्म का यहां यूज होगा. तो सिंपल समझिए, जहां बोला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, आपका कंसंट्रेशन हो गया कि पांच फॉर्मूला लेके तैयार रहे हैं. कारा इंटरसेप्ट दिया हुआ इतना इतना, ठीक है, जो इंटरसेप्ट दिया हुआ इतना इतना तुरंत ड्रॉ कर दीजिए. सबसे पहले फिगर, अब बताइए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां होता है, बच्चा क्वेश्चन बनाते बनाते समझता है कि पहले जो दिया रहे वो एक्स का होता है, बाद में दिया रहे वो वाई का होता है. जनरली ऐसा ही होता है ना, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में उल्टा भी दे देता है. क्या करता है, इसलिए हड़बड़ाहट नहीं करेंगे कि जो पहले आएगा वो एक्स का ही होगा. यहां लिख दिया है ऑन द एक्स एक्सिस, यानी पहले एक्स है तो पहले टू है, यानी टू क्या हो गया एक्स इंटरसेप्ट, बाद में हो गया वाई एक्सिस तो बाद में हो गया -3, यानी क्या हो गया वाई इंटरसेप्ट -3. अगर मान लीजिए यहां लिखा रहता वाई एक्सिस तो बताइए हम लोग क्या समझते वाई इंटरसेप्ट टू. क्लियर, तो चलिए भाई अभी आपने जाना कि इंटरसेप्ट का मतलब बोले थे चाकू से काटने वाला डिस्टेंस टू, तो बताओ टू पॉजिटिव के नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट हो गया बोलिए पॉजिटिव एक्स में टू, और वाई पर कितना काट दिया -3. क्या अप जाएगा, डॉन डॉन -3. अब आप दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, यही हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का फिगर. अब इसको आप ले लें ए, ये क्या लिए बोलिए बी, तो लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू एक्स बाई ए के जगह y by b के जगह सॉल्व करना चाहता है. इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे सॉल्व कर लीजिएगा भट्टा पर का जोर करके आंसर, कोई प्रॉब्लम नोट कीजिए. ये जस्ट लाइक थ्योरी टाइप का प्रॉब्लम था, एक करवाए हम, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करवाने जा रहे हैं. 194 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ इतना करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझना है और फिगर ड्रॉ करना है. समझ जाइए आप 80% सीख गए. इक्वेशन ऑफ ए लाइन
विच पासेज थ्रू द पॉइंट -37 एंड मेक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। आइए चलते हम लोग सॉल्यूशन में। देखिए कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेटिंग स्टॉप, ऐसा लाइन की इक्वेशन निकालिए जो पास किसे कर रहा है, -3 और 7। तो सोचिए -3, 7 जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हो गया ऐसे सिचुएशन ले लीजिए आप, दिस यहां देख क्या दीजिए -3, 7 मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब ऐसे पास करता है कि इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब एक्स को भी काटता है और वाई को भी कट करता है। कैसे कट करता है, इक्वल में, कैसे equal. मतलब ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये भी डिस्टेंस ए ही होगा, यही हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड। बट अपोजिट इन साइन, साइन चेंज, मतलब अगर ये प्लस तो ये क्या होगा, आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं थ्योरी में, फिर लिखते हैं हम लोग वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, ए के जगह क्या लेंगे, आवाज नहीं आ रहा है, बी के जगह माइनस ए। ओके सॉल्व कर दीजिए तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए। अब बताइए ये किसका इक्वेशन आया, इस लाइन का, बोलिए। और ये लाइन पर पॉइंट लाई कर रहा है, सेटिस्फाइड करेगा, तो लिखेंगे पॉइंट -37 लाइज ऑन द लाइन फर्स्ट, मीन्स एक्स की जगह क्या लेंगे -3 और वाई 7 इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू -10, ए इज इक्वल टू -10 और ए का मान पुट कर दीजिए यहां पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई ए के जगह क्या लिखेंगे -10, यानी एक्स माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज अटेंशन। अभी क्या बोला कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, yes, मतलब यहां भी ए यहां भी ए, अपोजिट साइन, यहां ए प्लस है तो यहां कभी क्या बोलेगा दूसरे क्वेश्चन में, सिचुएशन यही रहेगा, बोलेगा ऐसे लाइन पास कर रहा है कि डबलेट बना रहा है, क्या चीज, इंटरसेप्ट, डबलेट मतलब दो गुना, यानी ये ए तो ये क्या लेंगे, नहीं बन जाएगा, क्लियर, yes, कभी कहेगा कि हाफ बना रहा है ये ए तो ये क्या होगा, ए बाई टू, इस सब टाइप का ढेरों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसी टाइप से बनाएंगे, नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन मत नोट कीजिए, असाइनमेंट तो है ही ना, yes, तो हम इसलिए लिखते हैं
कि बहुत बच्चे सोशल मीडिया पर देखेगा, यूट्यूब से देखेगा, उसको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन ऊपर में हम लिख देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन गायब कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 204 Find the equation of line through two, three, so that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. क्वेश्चन नंबर 204 नंबर था, ये नोट कर लिए नीचे। देखिए सॉल्यूशन में करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा लाइन की इक्वेशन निकालिए जो किससे पास कर रहा है, 2-3 से। तो चलिए भाई, सबसे पहले 2-3 तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ कर लिए और कहीं से एक पॉइंट ले लिए 2-3, मतलब ये लाइन जो है 2-3 पॉइंट से पास कर रहा है। कह रहा है सो डेट द सेगमेंट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस bisected at the point, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। कह रहा है ये जो लाइन है ऐसा पॉइंट से पास किया, कि वो पॉइंट जो है इंटरसेप्ट जो यहां यहां से कर रहा है ये लाइन, उसको bisect कर दिया, यानी बराबर भागों में बांट दिया। बात कैच किए, bisected means बराबर भागों में बांटना, मतलब ये जो पॉइंट थोड़ा ऊपर रहता तो बराबर भागों में नहीं बांटता, थोड़ा नीचे रहता नहीं बांटता, पॉइंट ऐसा जगह लाइन पर आ गया कि लाइन को ही बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। बताइए लाइन का इक्वेशन क्या होगा। आइए सुनिए, जब ये बराबर दूरी में डिवाइड कर दिया भाई, इसका मतलब हो गया यहां से यहां का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, बोलिए यहां क्या लेते हैं, यहां कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां बोलिए, मतलब ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है 2-3। जल्दी बोलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाए थे हम, दिस प्लस दिस बाय 2, मान लीजिए P पॉइंट हो, ये A पॉइंट हो, ये B पॉइंट हो, तो आप कहेंगे P इज द मिड पॉइंट, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 2, यानी A प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस B बाय 2, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-3 गिवेन, कंपेयर यानी A बाई 2 इज इक्वल टू, बोलिए A बाई 2 इज इक्वल टू 2 और B बाई 2 इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, और फिर वही बात, जब A मिल गया यानी X इंटरसेप्ट मिल गया, B मिल गया यानी Y इंटरसेप्ट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन x बाई ए
y by b is equal to 1 सॉल्व कर लीजिए, 6x plus 4y is equal to 24, 2 कॉमन ले लीजिए, 3x plus 2y is equal to 12, equation of a straight line, नोट कीजिए। नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 210, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर चुप हो गए, फिगर ड्रॉ करेंगे। गुड, सबसे पहले फिगर ड्रॉ नहीं हो रहा आपसे, इसका मत समझ जाइए कि आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं। अब फिगर ड्रॉ नहीं हुआ तो क्वेश्चन आगे बढ़ने की बात नहीं है, फिगर ड्रॉ हो गया मींस एक पाथ मिल गया तो क्वेश्चन बनेगा, 80% वैसे सॉल्व हो गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना, 3, -4 किससे पास कर रहा है, 3, -4 से। तो आप बताओ 3, -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, बोलिए थर्ड में, बोथ निगेटिव होता है, कहां खो गए हैं आप लोग, आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चलिए यही फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐसे करके एक लाइन ले लीजिए जो पास कर रहा है 3, -4 से और कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए यही सिचुएशन है जहां बोला इक्वेशन निकालने के लिए आप तैयार हो गए पांच को मशीन लेकर के, फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर, सेकेंड 2 पॉइंट फॉर, थर्ड इंटरसेप्ट फॉर, फोर्थ नॉर्मल फॉर, है ना, ऐसे करके कितना हो गया, पांच। तो अब पांचों फॉर्म में से किसी से मैच नहीं कर रहा है, बोलिए क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है पॉइंट। तब अपना आईक्यू लगाते हैं और हम आईक्यू में आपको बताए थे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप जीरो होता है, स्लोप इज जीरो, यानी एम इज इक्वल टू जीरो। बताइए स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑलरेडी पता, कौन फॉर्म यूज करेंगे, वेरी गुड, स्लोप पॉइंट फॉर्म। आइए स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन की जगह क्या लेंगे, प्लस फोर एक्स वन थ्री एम जीरो, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आंसर
नोट कर लिए 212 Find the equation of line perpendicular to the line 3x plus 2y is equal to 8 and passing through the midpoint of the line segment joining 27 and minus 41. ओके तो चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन में. फर्स्ट काम क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है. देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं. कह रहा है ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालिए जो परपेंडिकुलर टू द लाइन. ऐसे समझिए इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है. ओके और इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द दिस. और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन दो पॉइंट के मिड पॉइंट से पास कर रहा है. यहां का पॉइंट बोलिए 27, यहां पर पॉइंट बोलिए. ओके फिर समझिए जो लाइन का इक्वेशन हमको निकाल रहा है इसे समझिए. अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो ये लाइन पर कोई अदर लाइन परपेंडिकुलर है और जिसका इक्वेशन दिया हुआ है तो याद करिए अगर इक्वेशन दिया हुआ है जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं. yes, आवाज में आ रहा है. yes, और इस पर जब परपेंडिकुलर है तो कंसेप्ट सिखाए थे. yes, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं. बोले थे पलट देंगे साइन चेंज कर देंगे तो स्लोप मिल गया. अब कह रहा है ये जो जिसका इक्वेशन निकालना है वो लाइन कोई एक ऐसा लाइन है जो दो पॉइंट से ज्वाइन है उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है. किसे? तो चलिए सबसे पहले ये मिड पॉइंट पी ले लीजिए. तो बताइए पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा. 2 माइनस 4 बाई 2 और 7 प्लस 1 बाई कितना. वेरी गुड. 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 7 प्लस 1 8 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 8 बाई 2 4. यानी P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस वन फोर. कितना आ गया तो पासिंग पॉइंट पता चल गया हमको. अब बताइए जो लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है इससे स्लोप निकाल लीजिए M1. तो स्लोप कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई यानी 3/2 आगे माइनस और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप क्या मान लीजिए. yeah. याद करिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी एम इंटू एम वन इज इक्वल टू बताए थे कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन के बराबर होगा. दिस इंटू दिस इज इक्वल टू माइनस वन. तो बताइए एम कितना है बताइए. नहीं पता एम वन कितना है बताइए. माइनस 3/2 इज इक्वल टू काट काट एम इज इक्वल टू 2/3. तो बताइए स्लोप मिल गया पॉइंट दिया हुआ है इक्वेशन मिल जाएगा. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. वेरी गुड स्लोप पॉइंट फॉर्म.
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस y1 के जगह 4, x1 के जगह प्लस 1 और m कितना है बोलिए 2y3 क्रॉस करिए 3y माइनस 12 2x प्लस 2 यानी 3y माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। हो गया क्वेश्चन मिटा रहे हैं तब नोट कीजिए नीचे। लास्ट क्वेश्चन 213 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through intersection of lines 3x plus 4y is equal to 7 and x minus y plus 2 is equal to 0 having स्लोप 3। सॉल्यूशन पहले ड्रॉ क्या करेंगे फिगर करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालिए थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब क्या समझते हैं तो समझिए ये दो लाइन है इस सिचुएशन में तो पैरेलल क्या ये और इस सिचुएशन में है तो अनपैरेलल तो अनपैरेलल है लेकिन एक दूसरे को कट कर रहा है नहीं जो कट करने लगेगा तो कटिंग जो पॉइंट होगा उसी का नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बस इसका मतलब हो गया कि ये लाइन जो है वो इस दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। बात क्या अच्छी है अब देखिए ये लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 इसका इक्वेशन है x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और कह रहा है जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप कितना दिया हुआ है 3 यानी लिखिए m इज इक्वल टू 3। अब आप ऐसा करें कि दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके यहां का पॉइंट फाइंड कर लीजिए तो बोलिए इक्वेशन क्या है x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू और 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकेंड दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से बेटर है कि 4 से मल्टीपल कर दीजिए इसको पहले यहां 4 यहां 4 यहां कितना आ जाएगा
एट ऐड कीजिए, फोर वाई कट, फोर एक्स थ्री एक्स सेवन एक्स, एट माइनस सेवन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई सेवन। अब एक्स का मान माइनस वन बाई सेवन आ गया, यहां से निकाल लेंगे वाई का मान, वाई इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, एक्स प्लस टू, तो माइनस वन बाई सेवन प्लस टू, माइनस वन प्लस फोर्टीन बाई सेवन यानी थर्टीन बाई सेवन। तो एक्स हो गया माइनस वन बाई सेवन और वाई क्या हो गया थर्टीन बाई सेवन, ये पॉइंट मिल गया आपका एक्स माइनस वन बाई सेवन, वाई थर्टीन बाई सेवन। अब बताइए जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो पास इस पॉइंट से कर रहा है, स्लोप दिया ही हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन के जगह थर्टीन बाई सेवन, एक्स वन के जगह वन बाई सेवन, और स्लोप कितना दिया हुआ है थ्री। सॉल्व कर दीजिए, सेवन वाई माइनस थर्टीन बाई सेवन, यहां पर लीजिए सेवन एक्स प्लस वन बाई सेवन इंटू थ्री, सेवन सेवन कट, फिर आ जाएगा सेवन वाई माइनस थर्टीन इजिकल टू थ्री से मल्टीपल करिए ट्वेंटी वन एक्स प्लस थ्री, एल एच एस में ले आइए सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वन एक्स और माइनस सिक्सटीन इजिकल टू जीरो। सेवा दइंट थ्योरी बताए, पांच फॉर्म सबको प्रूफ करके तार तार कर दिए, सब पे रिलेटेड प्रॉब्लम करवाए आपको हम, होमवर्क आपका रह गया है।